सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने वैकेंसी जारी की है और ये टोटल वैकेंसी 70 वैकेंसीज निकाली है। ये वैकेंसीज ग्रुप बी ग्रुप सी के अंदर है और इन वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इन वैकेंसीज को अप्लाई करना है। काफी सारी वैकेंसीज एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर है। ऑफिस की जॉब आप ढूंढ रहे हैं तो आप इन वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज में कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह से इन वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा इसमें सिलेबस रहेगा, कौन सा एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, आज की वीडियो में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, और अगर आप ना है तो चैनल को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि नोटिफिकेशन आपको नजर आ रहा होगा और ये नोटिफिकेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मंगलागिरी आंध्र प्रदेश की तरफ से निकला हुआ है, और ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के अंडर में काफी सारी वैकेंसीज हैं, जैसे कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। इसी तरीके से ये टोटल वैकेंसी जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की 58 वैकेंसी है। पीए टू प्रिंसिपल की जो वैकेंसी, एक वैकेंसी निकली हुई है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी एक निकली हुई है। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की वैकेंसी एक निकली हुई है। इसी तरीके से पर्सनल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी एक निकली हुई है। लैब टेक्नीशियन की दो वैकेंसीज है। अपर डिविजनल क्लर्क की दो वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट की दो वैकेंसी है। टोटल 70 वैकेंसीज निकली हुई है। और ये देखिए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड वन में जो रिजर्वेशन रहेगा वो फीमेल का 80% रहेगा और मेल कैंडिडेट का 20% रहेगा। इसी तरीके से देखिए, ये जो वैकेंसीज हैं, आपको ये वैकेंसीज जो मिलेंगी, इसका नोटिफिकेशन www.emsmangalagiri.edu.in पर आपको जाकर मिलेंगी। अब देखिए, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में जो एज चाहिए वो 21 से 35 साल होनी चाहिए। 58 वैकेंसी हैं और जो इसमें पे स्केल मिलेगा, एर्थ पे इसमें स्केल रहेगा आपका। इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग चाहिए आपकी। 4 ईयर का कोर्स फ्रॉम अ इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं उनसे आपका होना चाहिए बीएससी नर्सिंग, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेशन और इक्विवेलेंट इसका कोई हो, और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक फ्रॉम अ इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। अब एक्सपीरियंस का चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए स्टाफ नर्स ग्रेड थर्ड में एंड बीएससी नर्सिंग में, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेशन में, या फिर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक मिनिमम 200 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से पीए टू प्रिंसिपल की एक वैकेंसी है, 18 से 30 साल इसमें एज चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन के चाहिए डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, स्किल टेस्ट नॉर्म्स डिक्टेशन 7 मिनट में 120 वर्ड पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन 45 मिनट इंग्लिश और 60 मिनट हिंदी में आपका होना चाहिए। डिजायरेबल डिप्लोमा सर्टिफिकेशन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसी तरीके से असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है और इसके आगे ही ये सब क्वालिफिकेशन मेंशनड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके इन वैकेंसीज को आप अप्लाई भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब नीचे चलते हैं। देखिए, अप्लाई ऑनलाइन आपको करना है, www.emsmangalagiri.edu.in पर जाकर आप इन वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास क्या क्या होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, ये दे भी रखा है इसमें चेकलिस्ट पूरी, स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट के अंदर, स्कैन सिग्नेचर कैंडिडेट जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑल नेसेसरी एजुकेशनल सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, पीडब्ल्यूबीडी किस सर्टिफिकेशन अगर आपके पास एप्लीकेबल है तो होना चाहिए, ऐसे ही कास्ट सर्टिफिकेशन पे एप्लीकेबल है तो होना चाहिए, एनी अदर डिटेल एज पर द एडवर्टाइजमेंट वो आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए, इसका सीबीटी एग्जाम होगा इसके अंदर, उसके बिहाफ पे इसका मेरिट पे आपका एग्जामिनेशन इंटरव्यू आपका इसमें सिलेक्शन होगा। हो सकता है इसमें आपका स्किल टेस्ट भी हो अगर एप्लीकेबल है तब। अब देखिए, सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे, विजयवाड़ा, कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, रायपुर, न्यू दिल्ली, पटना, गुवाहाटी, इन सब जगह पे इसके सेंटर्स बनाए जाएंगे। और देखिए, सिलेबस क्या क्या रहेगा, जो आपका टोटल 90 का टाइम मिलेगा आपको, और जो मार्क्स आएंगे वो सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कंसर्न पोस्ट के 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 60 ही मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। इसी तरीके से पर्सनल असिस्टेंट का अलग सिलेबस इसमें दे रखा है और लैब टेक्नीशियन लैब अटेंडेंट का अलग सिलेबस दे रखा है।
सिलेक्शन जो होगा वो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद मेरिट स्किल टेस्ट एप्लीकेबल है तो होगा, उसके बिहाफ पे आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब नीचे चलते हैं, देखिए मैंने आपको जो मेन मेन चीजें हैं इसमें वो बता दी। एज रिलेक्शन मिलेगा आपको, ओबीसी है तो 3 साल का मिलेगा, एससी एसटी 5 साल का मिलेगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है 10 साल का मिलेगा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के वो है आप तो 5 साल का आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में पढ़ लीजिएगा, और ये आपको देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आपको भेजनी भी होगी। रिक्रूटमेंट सेल रूम नंबर 216 सेकंड फ्लोर लाइब्रेरी एंड एडमिन बिल्डिंग एम्स मंगलापुरी गुंटूर आंध्र प्रदेश पे, ये एनवलप में बंद करके आपको रजिस्टर पोस्ट स्पीड पोस्ट करना होगा 10 दिन के लिए, मतलब जब ये नोटिफिकेशन आया था उसके 10 दिन के अंदर में आपको ये भेजना होगा। बाकी देखिए इसमें बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने कवर अप कर ही दी है। फीस और मैं बता देता हूँ आपको, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फीस है, एससी एससी पीडब्ल्यूबीडी फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये इसमें फीस है। बाकी कोई सवाल हो आप कॉमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़ सकते हैं, और आपको कोई क्वायरी है तो आप recruitment.nonfaculty@mmangalagiri.edu.in पर अपना मेल भेज के पूछ भी सकते हैं कोई आपको, अगर कोई क्वायरी वगैरह हो, किसी सवाल की ज़रूरत पड़े, कोई सवाल हो आपके दिमाग में तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं सवाल। तो होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। इस नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इन वैकेंसीज को अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।